बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना कि आप सारे खैरियत नाल होवोगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा शादो आबाद रखे। असी अज दी अपनी वीडियो दा आगाज़ अपनी कद्दू दी फसल तो करने हैं। माशाल्लाह, कद्दू जो है वो तैयार हो चुका है। छोटे छोटे ये देखें कि कद्दू भी लगे हुए हैं, और इसमें ये देखें ये कद्दू भी लगा हुआ है, और ये इसके फूल निकल रहे हैं। तो ये दो तीन दिन के बाद ये भी जो है वो कद्दू में कन्वर्ट हो जाएंगे। छोटे छोटे फूल कुछ बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, और ये देखें कि फूल के बाद का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें कद्दू की हाल ये होती है कि अब ये छोटा सा है तो ये तकरीबन दो दिन में जो है वो तैयार हो जाता है। यही कद्दू जिसे आप छोटा सा देख रहे हैं तो ये दो दिन में जो है वो तैयार हो जाएगा। और ये देखें कि ये कद्दू जो है वो अब तोड़ने के काबिल हो गया है। अब ये देखें कि इतना बड़ा हो गया है। और इसी तरह के जो है वो कद्दू, अगर ये इससे बड़ा हो जाएगा तो ये फिर लोग घरों में इस्तेमाल इसे नहीं करते, ये दरमियाने साइज़ का ही होना चाहिए। तो अब जो है कद्दू की फसल में जो है वो कुछ छोटे छोटे लगे हुए हैं तो, और कुछ जो है वो बहुत बड़े हो चुके हैं। तो आज जो है ना हमने इसकी तड़ाई जो है वो शुरू कर देनी है, ताकि जो बड़े कद्दू हैं वो ख़राब ना हो सकें, तो उन्हें वक्त पर जो है वो काट लिया जाए। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देखें कि कद्दू की फसल जो है ये बिल्कुल तैयार है। और अब इसकी जो है वो कटाई वगैरह का जो है वो टाइम शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह गर्मियों की सब्जियों में जो है वो कद्दू एक नायाब सब्ज़ी है, और घरों में लोग जो है वो इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। ये तकरीबन दो चार दिन के बाद जो है ना वो प्रॉपर तैयार हो जाएगा, और एक रूटीन वाइज जो है उतरना शुरू हो जाएगा। अभी इसकी रूटीन जो है वो आज फर्स्ट डे है, तो जो बड़े बड़े कद्दू हैं वो हमने सिर्फ तोड़ने हैं, जो छोटे हैं उन्हें अभी तैयार होने देना है। उन्हें हम जो है वो दो दिन का वक्त देंगे, दो दिन के बाद जो है वो हम फिर इसकी मुकम्मल एक साथ जो है वो तड़ाई जो है वो शुरू करेंगे। तो जो बड़े कद्दू लगे हुए हैं उन्हें तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दो दिन बाद जो है ये ख़राब हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि कद्दू जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब अगर इसे दो दिन का टाइम दिया जाए तो ये कद्दू जो है वो ये पक जाएगा और ख़राब हो जाएगा, तो इसे जो है वो तोड़ना जो है बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, कद्दू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कद्दू के खेत का नज़ारा कैसा लगा, और ये छोटे छोटे कद्दू जो हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, इस चीज़ का जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें बताइएगा। और हमारी वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें। हमारी इस वीडियो बनाने की जो है मेहनत, उसका सिला जो है वो आप लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दिया करें, तो इससे बहुत खुशी होती है। हम आपके लिए लाते रहेंगे हर रोज़ नई नई वीडियो।
हमारे फार्म में तकरीबन जो है वो सारी सब्ज़ियाँ, गर्मियों की जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं सारी सब्ज़ियाँ काश्त की गई हैं। तो उनमें से जो है वो हम चंद की वीडियो जो है वो बनाकर चैनल पर जो है वो अपलोड कर चुके हैं। तो ये कद्दू की फसल की वीडियो थी, तो ये भी आपके साथ शेयर करनी थी, तो हमने आज जो है वो आपके साथ ये भी शेयर कर दी है। फिर जैसे जैसे इसकी तड़ाई का काम हम डेली रूटीन वाइज किया करेंगे तो वो भी वीडियो दोस्तों आपसे हम शेयर किया करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कद्दू जो है वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो आज इसकी तड़ाई जो है वो लाजमन करेंगे।